सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाली है एक नए किरदार की एंट्री, जिसका संबंध अरमान से होने वाला है। आप सभी सीरियल में देख रहे होंगे कि मकर संक्रांति की तैयारी चल रही है, जहां अभिरा अरमान से ये कहती नजर आ रही है कि वो अब पोद्दार हाउस में नहीं रहेगी, क्योंकि उसे डर है कि दादी सा उसे आगे की पढ़ाई करने नहीं देगी। ऐसे में सीरियल की कहानी में अब आगे क्या होने वाला है और किस किरदार की एंट्री दिखाई जाने वाली है, उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी सीरियल में मकर संक्रांति वाला सीक्वेंस देखेंगे, जहां रूही, अरमान और अभिरा मिलकर दादी सा को मनाते नजर आने वाले हैं और आप देखेंगे कि दादी सा पढ़ाई के लिए मान भी जाएगी। और अगर हम बात सीरियल में आने वाले नए किरदार की करें तो आप सभी ये जानते ही हैं कि अरमान विद्या का बेटा नहीं है, अरमान विद्या का सौतेला बेटा है, जिस वजह से अरमान को ये लगता है कि पोद्दार फैमिली ने उस पर बहुत सारे एहसान किए हैं, इसलिए अरमान पोद्दार फैमिली की हर बात को मानता नजर आता है। और अब तक सीरियल में अरमान की असली माँ की कहानी को नहीं बताया गया है, जो अब सीरियल में आगे बताया जा सकता है। रूही को अब सीरियल से हटा देना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।